विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित के अंतर्गत अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 7 को इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। 7 के बाद इस प्रश्नावली में मात्र 2 प्रश्न और बचेंगे, जिसे हम एक या दो वीडियो में आप लोगों को बताकर ये अध्याय भी समाप्त कर दूंगा। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 7 को समझते हैं। 7 में दिया है कि एक पतंग, पतंग तो आप लोग उड़ाते हैं, जानते हैं, तो आज हम लोग प्रश्न पतंग पर पढ़ना चाहते हैं। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है, इन्हें आकृति 12.17। ये देखिए आकृति बनी हुई है, तो ये आकृति है 12.17 में फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड से दर्शाया गया है। देखिए ये प्रथम भाग है पतंग का, और ये द्वितीय भाग है, और ये जो नीचे हम जिसको पुछिल्ला ऐसा कह सकते हैं, वो तीसरे भाग में समद्विबाहु त्रिभुज जैसा है। तो कह रहा है कि पतंग का ऊपरी भाग 32 सेमी विकर्ण का है। देखिए ये जो रेखा है ये 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, अर्थात ये जो भाग एक और ये भाग दो है, तो भाग एक यानी ये पूरा भाग और भाग दो माने ये पूरा भाग, ये एक वर्ग का आकार है, और इसका ये जो विकर्ण है ऊपरी विकर्ण जो इसका है वो 32 सेंटीमीटर है। अगर मैं चाहूँ तो इसका नामकरण भी कर सकता हूँ ABCDE और F, ऐसा नामकरण भी हम कर सकते हैं। तो ये जो ABC ये प्रथम भाग है, BDC द्वितीय भाग है, और DEF इसका तृतीय भाग है। तो तीनों भागों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करके यह पता करना है कि इन तीनों भागों को बनाने में कितने कागज की आवश्यकता लगी। वैसे भी किसी चीज़ को बनाने में कितने की आवश्यकता पड़ती से जानने के लिए हमें उसके क्षेत्रफल को ही जानना होता है। तो यहाँ इसको बनाने में, इसको बनाने में और इसको बनाने में, इसका यानी भाग एक और भाग दो तथा भाग तीन को बनाने में कितने कितने कागज लगे हुए हैं, ये हमें जानना है। तो इसके लिए हमें तीनों का क्षेत्रफल जानना होगा। तो आप देखें कि चूँकि ABCD एक वर्ग का चूँकि रूप दिया है, तो वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, और आप जानते हैं कि वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर विकर्ण AD अगर 32 सेंटीमीटर का है, तो जो अगला विकर्ण इसका BC है वो भी 32 सेमी का ही होगा। तो अगर हमें प्रथम भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो प्रथम भाग तो एक त्रिभुज बन जा रहा है ABC, तो जब त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं कि 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो 1/2 तो ठीक ही है गुणे आधार, तो आधार के रूप में BC हो जाएगा, जिसकी माप AD के बराबर होगी, चूंकि AC और BC दोनों वर्ग के विकर्ण हैं और एक वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो BC जो आधार है उसकी माप 32 हमें मिल जाएगी इंटू लंब। तो इसका लंब हम यहाँ पर एक नाम और दे देते हैं, ओ नाम से AO मान लेते हैं। तो AO क्या है भैया, इस त्रिभुज ABC का लंब बनेगा। तो जब लंब AO बनेगा, तो इस लंब AO की माप, तो अगर किसी वर्ग जो वर्ग के विकर्ण होते हैं दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो अर्थात अगर ये AD विकर्ण अगर 32 सेंटीमीटर है, तो AD विकर्ण को जो वर्ग का अगला विकर्ण BC है वो 16 सेंटीमीटर पर इसको काट देगा। तो अर्थात AO से AO कितना हो जाएगा 16, जो कि लंब का कार्य करेगा त्रिभुज के लिए। तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बड़े आसानी से हम निकाल लेंगे, चूँकि आधार BC भी हमें क्लियर हो गया और लंब AO भी क्लियर है, और 1/2 सूत्र में रहता ही है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब से हम भाग एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब आप यह जानें कि चूँकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो जितना क्षेत्रफल भाग एक का होगा उतने ही क्षेत्रफल भाग दो का भी होगा। तो इसलिए भाग एक का क्षेत्रफल जानने के बाद हमें भाग दो का भी क्षेत्रफल हमें
पता चल जाएगा। इसके बाद रही बात हमें भाग तीन के क्षेत्रफल को जानने की, तो भाग तीन हमारा एक समद्विबाह त्रिभुज बन रहा है, चूँकि इसकी दो भुजाएँ समान माप की हैं और एक भुजाएँ असमान माप की है, तो इसलिए ये समद्विबाह त्रिभुज बन जाएगा। और समद्विबाह त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन सूत्र पर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी तो हम पहले भाग एक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाग एक के क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ लिखते हैं कि चूँकि ए बी सी डी एक वर्ग का रूप है, इनमें सारी बातों को थोड़ा शो करना पड़ेगा कि चूँकि ए बी सी डी एक वर्ग का रूप है जिसमें ए डी और बी सी वर्ग के विकर्ण हैं, जहां ए डी बराबर प्रश्न में 32 सेंटीमीटर दिया है, जहां ए डी बराबर 32 सेंटीमीटर, तब विकर्ण बी सी बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण बी सी बराबर भी 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं, ऐसा लिख भी सकते हैं कि वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में समान लंबाई के होते हैं, ऐसा हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये बात क्लियर हो गई बी सी। अब हम लिखेंगे कि ए ओ बराबर, अगर हम ए ओ की माप जानना चाहें तो अभी हमने बताया कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये होता है कि सम माने बराबर, दुई माने दुई, माने बराबर बराबर दो भागों में बांट देते हैं। तो जैसे भाग एक और भाग दो, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो एक दूसरे को, जैसे अगर ये ए डी अगर 32 है तो ए से लेकर ओ तक 16 हो जाएगा, और ओ से लेकर डी तक भी 16 हो जाएगा। तो हम ए ओ बराबर लिख सकते हैं ए डी बटा दो, तो ए ओ बराबर हम लिख सकते हैं ए डी, ए डी की माप है 32 बटा दो करेंगे तभी ए ओ आएगा, अर्थात 16 सेंटीमीटर। तो ए ओ की माप भी पता चल गई, और बी सी की माप तो पहले से ही पता है, चूँकि ये जितना ए डी होगा उतने बी सी होगा, चूँकि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अब भाग एक का क्षेत्रफल बराबर भाग दो का, बराबर भाग दो का क्षेत्रफल। अर्थात आप जब जानिए कि जितना भाग एक, अर्थात जितना इसका क्षेत्रफल बनेगा उतने क्षेत्रफल इसका भी बनेगा, चूँकि दोनों त्रिभुज के लिए बी सी आधार जो है उभयनिष्ठ है। जब हम ए बी सी त्रिभुज का नाम लेते हैं तब भी बी सी आधार पड़ेगा, और जब हम बी डी सी त्रिभुज का नाम लेंगे तब भी बी सी आधार बनेगा। तो दोनों आधार 32-32 उभयनिष्ठ हैं दोनों में। तो जब दोनों का आधार उभयनिष्ठ है और इसका अगर लंब ए ओ है तो इस त्रिभुज का लंब ओ डी है, तो इसका भी 16 है और इसका भी 16 है, तो इसका भी लंब 16, इसका भी लंब 16, इसका भी आधार 32 और इसका भी आधार 32। तो जब दोनों त्रिभुजों के आधार और लंब आपस में बराबर हैं तो दोनों भाग का क्षेत्रफल तो आपस में बराबर होगा ना। जब मापे बराबर होंगी दो आकृतियों की तो उनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाग एक का क्षेत्रफल बराबर भाग दो का क्षेत्रफल। तो इसलिए त्रिभुज हम लिखते हैं ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो गुणे आधार के रूप में हम बी सी ले लेते हैं और गुणे लंब के रूप में हम ए ओ ले लेते हैं। तो एक बटा दो गुणे बी सी की माप कितना निकाले हैं, 32, और ए ओ की माप हम 16 निकाल चुके हैं, दो से काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा, 2 8 16। अब हम इसमें गुणा करेंगे 32 गुणे 8, तो पाएंगे 8 2 16 और 8 3 24 25, 256 वर्ग सेंटीमीटर। अब जानिए कि माप चूंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के ऊपर हमें वर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा, चूंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। अगर इसको हम केवल सेंटीमीटर में लिख देते हैं तो गलत माना जाएगा, चूंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में शो किया जाता है। तो 256 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो आप जानिए कि भाग एक का जो क्षेत्रफल आ गया वही भाग दो का भी क्षेत्रफल बनेगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वही त्रिभुज बी सी डी का
क्षेत्रफल बनेगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर 256 वर्ग सेंटीमीटर आ गया तो उसके नीचे हम लिख सकते हैं बराबर त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। तो आप देख लें कि त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो इस पतंग के भाग एक और भाग दो का क्षेत्रफल आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें इस तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाग तीन का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, भाग तीन का क्षेत्रफल। तो आप यह जाने कि भाग तीन जो है, हमने बताया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, चूँकि दोनों की मापें छः छः समान हैं और एक की माप आठ है। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की माप एक जैसी हो और एक की माप उससे इतर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू यस माइनस सी हम चाहे लिख दें, या ऐसा कुछ ना करें, यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। मैंने कहा था कि ये जो हीरोन का सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में, जो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, इस सूत्र का प्रयोग आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो समय इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हम हीरोन सूत्र का प्रयोग कर दे रहे हैं, चूँकि चैप्टर का नाम भी है तो उस सूत्र का प्रयोग हो जाए सवाल में तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो भाग तीन का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस। अब मैंने आपको बताया था कि यस माने होता है सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप, अर्थात किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर लिया जाए तो यस की वैल्यू आ जाती है। तो इसकी माप छः है, छः है और आठ है, तो हम छः छः बारह आठ बीस पा जाएंगे। तो बीस का जो आधा होगा वही यस की वैल्यू होगी, तो बीस का आधा तो दस होता है, तो यस पर हम दस लिखते हैं। तो दस माइनस, अब हम ए पर क्या रख देते हैं, छः, फिर हम दस माइनस हम बी पर भी छः का प्रयोग करेंगे और यस की वैल्यू दस माइनस सी पर हम क्या प्रयोग करते हैं, आठ। तो बराबर अंडर रूट, देखो जो त्रिभुज की पहली भुजा छः है वो ए का वैल्यू है, जो दूसरा छः है वो बी की वैल्यू, जो आठ है वो सी की वैल्यू। तो अंडर रूट दस यहाँ बचेगा इंटू दस में से छः घटाने पर चार है, और गुणे यहाँ भी चार बचेगा, और यहाँ दस में से दो आठ जाएंगे तो दो बचेगा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा अंडर रूट। देखिए अब हमारे पास चार गुणे चार का जोड़ा अगर बन रहा है तो चार हमारा बाहर आ जाएगा। जब चार बाहर आ जाएगा, जब जैसे दो वर्गमूल चिन्ह के अंदर जब दो संख्याएं समान होती हैं वही वही तो उनका जोड़ा बनने पर वो बाहर आ जाती हैं। जैसे चार गुणे चार है तो आपका चार बाहर आ जाएगा कर्णी चिन्ह से बाहर। किंतु देखिए दस दो बार नहीं है, दो दो बार नहीं है, इसलिए दस और दो अंदर ही रहेंगे। तो ये बनेगा दस और गुणे दो, तो दस दूनी हम इसको बीस लिख सकते हैं। तो चार अंडर रूट, अब बीस का चाहें तो हम खंड कर लें, तो खंड करने पर दो दूनी चार पंचे बीस। तो ये देखिए चार और ये जो दो गुणे दो का जोड़ा बन गया तो दो हमारा बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट पाँच का जोड़ा नहीं बन रहा है तो पाँच कहाँ रहेगा, अंदर ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये चार दूनी आठ, तो आठ अंडर रूट पाँच वर्ग सेंटीमीटर। तो जो तीसरे भाग का क्षेत्रफल आ गया वो एट अंडर रूट फाइव वर्ग सेंटीमीटर आ गया। आप चाहें तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, अंडर रूट पाँच यानी पाँच का वर्गमूल भी आप रख सकते हैं। अगर आप रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, आठ गुणे पाँच का वर्गमूल आप लोग जानते हैं, कक्षा छः सात आठ से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, इसका वर्गमूल होता है 2.24, 2.24 होता है पाँच का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो भाग विधि से। तो आठ से इसमें गुणा कर लीजिए आप, तो आठ चौक बत्तीस की दो हासिल तीन आ जाएगी, आठ दूनी सोलह तीन उन्नीस बनेगा, और आठ दूनी सोलह एक सत्रह, तो ये आ जाएगा 17.92 वर्ग सेंटीमीटर। और यदि आपको वर्गमूल पाँच की वैल्यू ना भी याद रहे तो आप एट अंडर रूट फाइव भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा। और यदि वैल्यू पता है तो वैल्यू रख कर भी गुणा करके आप लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं और अच्छा हो जाएगा। तो ये 17.92 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब आप ये देखें कि आपका एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा, एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आप ये जानिए कि पहले वाले भाग को बनाने में जो कागज हो प्रयुक्त होगा वो 256 वर्ग सेंटीमीटर होगा, और दूसरे वाले भाग को ही बनाने में जो कागज प्रयुक्त होगा वो 256 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा, चूँकि दोनों भाग बराबर बराबर हैं। और तीसरे भाग को बनाने में जो कागज प्रयुक्त होगा
वो 17.92 वर्ग सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इतने कागज़ अगर आपके पास होंगे तो आप इस आकृति की, इस आकार की आप पतंग बनाने में समर्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज आप लोगों को प्रश्न संख्या 7 बता दिया। अब 2 प्रश्न बच रहे हैं, इनको हम एक वीडियो या 2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप लोग गणित पढ़ते समय रफ पेन साथ में रखें, प्रश्नों को देखें किताब में और वीडियो में उसका हल देखें, उस हल को अपनी कापी में नोट करें, उतारें और आगे उसको आप अभ्यास करके अपने पास बरकरार रखें। चूँकि आपके पास किसी प्रश्न का हल तभी बरकरार रह सकता है जब आप उनका लगातार निरंतर कंटिन्यू अभ्यास करते रहेंगे। तब आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर कल।